गाइस देखिए इसे हमको लेके आया डॉक्टर के चैम्बर में। उसका कल सडनली बुखार हो गया था और उसका यहाँ पे गले में दर्द, कुछ भी खा पी नहीं रहे थे कल से, आज भी कुछ भी नहीं खा पाया। ये देखिए इसका हालत, तबीयत भी बहुत ख़राब है, वीकनेस हो रहा है। तो अभी डॉक्टर आने वाले हैं, अभी हम चैम्बर में बैठे हैं, कोई भी नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद ब्लड टेस्ट लिख दिया है, तो लेबोरेटोरियन अभी यहाँ पे डॉक्टर के चैम्बर में लेबोरेटोरियन आ गया है। तो इसका ईशान का ब्लड सैंपल लेने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह दिया है ब्लड का, तो ही लेने के लिए आ गया लेबोरेटोरी का ये लड़का। डॉक्टर के चैम्बर से लाने के बाद घर में सोच के खाना वाना खा के अभी मैं और ईशान हो चुकी हूँ रुद्राक्ष मॉल में, शॉपिंग मॉल में, क्योंकि यहाँ पे ईशान को लेने हैं एक लैपटॉप, तो मुझे आना पड़ गया क्योंकि ईशान पापा के साथ है तो नहीं आया। तो हम लोगों ने उबेर बुक करके आ गया है, एक लैपटॉप लेना है, देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे हम लोगों ने लेने के लिए आया है कॉम्पैक्स सेंटर में, यहाँ पे ओपन बॉक्स लैपटॉप मोबाइल ये सब मिलता है। ये सब ओपन बॉक्स है गाइस, सेकेंड हैंड नहीं है। और यहाँ भी जो हम लोगों को लेने के लिए आया तो ये नया ही है, मतलब सील पैक भी नहीं है लेकिन ओपन बॉक्स है। ये मैंने ईशान के लिए जो मैकबुक बोलते हैं ना एप्पल का, तो ये लेने वाले हैं, देखते हैं कितना प्राइस में आते हैं, हम लोग का बजट में आता है कि नहीं। लेकिन ये लोग क्या क्या लेने के बाद मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं गाइस, वो लोग अपने फीडबैक के लिए, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू भी दे रही हूँ। तो ईशान ने उसका वीडियो भी ले लिया है। और शॉपिंग होने के बाद यहाँ पे मॉल में ही छोटा सा फूड कॉर्नर है, तो ईशान को कुछ छोटा सा भूख लग गया था, तो मैंने इसको कुछ खिलाने के लिए आगे हो, देखते क्या मिलते है क्या नहीं। यहाँ पे एक 140 रुपीज़ का छोटा मिनी थाली मिलता है जो साउथ इंडियन है, इडली डोसा सांभर ऐसा कॉफ़ी के साथ, तो मैंने उसको खिला दिया। अभी घर में वापिस के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। The next day. और गाइस आज है नेक्स्ट डे, तो सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, डॉक्टर के रिपोर्ट मिलने के बाद ईशान को जो एंटीबायोटिक दिया थे डॉक्टर ने, वो खाने के बाद कुछ बॉडी में स्किन में जैसा एलर्जी जैसा कुछ निकल गया था, तो हम लोगों ने सोचा चिकन पॉक्स निकला है, तो इसके वजह से डॉक्टर को दिखा था। डॉक्टर ने क्या क्या एंटीबायोटिक स्टॉप कर दिया और बोला शायद हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने कॉन्फर्म के लिए एक बाबा के घर में ले किया मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में, तो दिखा देंगे तो क्या है क्या नहीं तो उनको मालूम पड़े। लेकिन वो बोला है कि चिकन पॉक्स नहीं है, कुछ एलर्जी कुछ वायरस आ गया तो जिसके वजह से इसका ये हालत है। और डॉक्टर ने जो बताया है वायरस के बारे में सुन के और ये सब सुन के तो हम लोग का मन ख़राब हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या माँ के मंदिर में, दर्शन शायद नहीं करेंगे, वहाँ पे दिया वगैरह जला के, वहाँ पे एक सौभाग्य कुंड नाम का तालाब है, तो जिसमें भी जो भी नहाते हैं ना तो कुछ ऐसा बीमारी होने से तो ठीक हो जाने का सांस होता है, तो इसलिए हम लोग वही विश्वास करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ के दरबार में, आप लोग देखिएगा। और यह
देखिए कामाख्या मंदिर का सौभाग्य कुंड तालाब यहाँ पे नहा सकते हैं कोई भी अगर कोई रोग से पीड़ित है। मैं ऐसा कोई कपड़ा लायू हूँ उसको भिगो के ना पूरा मुंह से पूरा बॉडी को पोंछ दूंगी। The next day. और देखिए गाइस आज है नेक्स्ट डे और मेरे वीडियो फिर से कंटिन्यू करे क्योंकि ईशान का तबीयत भी ख़राब हो गया था थोड़ा ज़्यादा सा, वो अच्छे से निगल ही नहीं पा रहे थे खाना, तो सिर्फ लिक्विड ही पी रहे थे, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है उसको आकांक्षा नर्सिंग होम में डे केयर के लिए एडमिट कराने के लिए। फिर उनको ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स लोग, उसके बाद शायद कुछ शरीर में ताकत भी मिलेंगे। अभी ईशान को थोड़ा सा लेमन टी भी पिला रहे हैं और इसके बाद पिलाएंगे सूप। सिलान को अभी खोल दिया है। ग्लूकोज चढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा बॉडी में ताकत मिला है जिसकी वजह से इसको कुछ खाने को मन है, तो मैंने लेमन टी दे दिया। थोड़ा सा सूप ऑर्डर किया है कैंटीन से, वो अभी पीने वाले हैं। मुझे अच्छा लगा कि उसको कुछ खाने पीने का मन हो रहा है तो खा पी रहा है, तो आप लोग का आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। The next day. आज है और एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग। देखिए गाइस अभी हम लोग पूरा पलटन कहाँ पे जा रहे, हम लोग का ये घर के बगल वाले दुर्गा पूजा का कमेटी का मेंबर्स है, हम लोग एक साथ सब लोग दुर्गा प्रतिमा का ऑर्डर करने जा रहे क्योंकि इस बार हम लोगों का हमारे घर के तरफ से दुर्गा माता का प्रतिमा का डोनेट किया जाएगा, तो हम खुद अपने चॉइस से माँ का प्रतिमा जो मूर्ति ऑर्डर करेंगे। आप लोग देखिएगा सरप्राइज है कैसा डिजाइन होंगे, बाद में दिखाई देंगे वो कैसा होगा। मैं आप लोग को लास्ट में इस वीडियो का अंत में दिखाऊंगी कैसा वीडियो मतलब प्रतिमा बन के निकल आएगा, तो आप लोग मेरा वीडियो प्लीज़ बिना स्किप के इन तक जरूर देखिएगा। अभी हम लोग ऑर्डर करने के बाद सभी को चाय पानी पिलाने के लिए होटल में लेके जाए, कोई चाय चम्मच चाय सब खाएंगे। उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे मंदिर में कामाख्या माता के धाम पे, वहाँ पे होंगे मनसा पूजा का योगिनी का नृत्य, आप लोग को दिखाऊंगी अजीब सा है। अगर आप लोग को देखनी है तो मेरा वीडियो प्लीज़ बिना स्किप के इन तक जरूर देखिएगा। और अभी हम लोग एक साल के बाद मंदिर में अच्छे से भगवान को पूजा करने के लिए आ गया है, लेकिन दर्शन शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो पहले हमने दिया अगरबत्ती खरीद लिया है, तो अभी मैं जला रही हूँ पहले माँ के दरबार में दिया अगरबत्ती के जलाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए। आप लोग भी देखिएगा मेरे से और ये जो आप लोग देख रहे हैं अजीब सा लाल रंग का फूल की माला से लिपते हुए नीला लाल ये सब जोगिनियाँ हैं जो माँ के कामाख्या माता के पास जितना भी जोगिनियाँ होते हैं जो मनसा माता होते हैं सब कुछ ये लोग क्या है एक महीना से हर महीना पूरा महीना मतलब वो जब तप में रहते हैं और माँ उनके शरीर में बास करते हैं। माँ साक्षात नहीं आते तो माँ की जितना जोगिनियाँ हैं तो इसके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जिसके वजह से ये लोग का शरीर में अजीब सा एक ताकत आ जाते हैं और उस ताकत की वजह से यहाँ पे शक्तिशाली पीठ जो माँ के हैं ज़्यादा शक्ति बन जाते हैं और ये एक जागृता मंदिर के हिसाब से तो ये पूजा होते हैं। देखिए हर साल होते हैं सावन महीना का अंतिम दिन में
दो तीन दिन का कार्यक्रम होता है ये लोग को। ये मैं पहली बार आई हूँ गाइस, आप लोग देखिएगा। और इस ऐसा कहा जाता है कि इन लोग का पास इतना शक्ति होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होने से अगर उन लोग का आशीर्वाद लेते हैं तो सारा तकलीफ दूर हो जाते हैं। और ये पूजा देखने के लिए आसाम और आसाम के बाहर इंडिया में के सभी देश मतलब स्टेट से लोग का भीड़ होते हैं, लाखों लोगों का भीड़ होते हैं देखने के लिए। और ये जो आज का दिन का पूजा है ना, बहुत महत्व है जिसका, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, टूरिस्ट लोग यहाँ पे रह के लॉज में। तो इस आज का ये दिन का दर्शन करते हैं और ये भाग्यशाली लोग को दर्शन पाते हैं। गाइस हम लोग भी लाकी है क्योंकि हम लोग नज़दीक रहते हैं, रहने के बावजूद भी हम लोग इतना साल बाहर में रहे तो अरुणाचल में तो ये सब नहीं देख पाए, तो इस साल हम लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इन लोग जो ये देखिए, ये जो साधु संत है ना, शंकराचार्य जो सबसे बड़ा गुरु है, आप लोग को शायद पता होंगे, तो उनका ये चेला है यहाँ पे आए हैं बाहर से ये सब दर्शन के लिए। यहाँ का सिक्योरिटी टाइट होने के वजह से यहाँ पे जो ये लोग जो साधु संत लोग योगी लोग योगिनियाँ लोग जो नाच के नृत्य करे ना, इन लोग के सामने किसी भी भक्त को नहीं आना चाहिए। और देखिए गाइस, मैंने एक योगी बाबा को प्रणाम किया था तो वो अपने तलवार से जैसे सिंदूर टीका मेरे माथे पे, मेरे हस्बैंड के किसान के माथे पे ले लगा दिया है। ये सिंदूर लगना भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। और देखिए अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।